दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि इस फिल्म को लेकर दिए गए बयान पर केजरीवाल के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में मानहानि का केस किया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि दिल्ली के सीएम ने एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए ये बयान दिया था, उससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को गहरी चोट पहुंची है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले आखिर कौन है। तो बता दें कि पटना में चित्रगुप्त समाज से जुड़े डॉक्टर चंद्रभूषण वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही कहा कि दिल्ली के सीएम ने असंवैधानिक बयानबाजी की है जिससे हिंदू धर्म के लोगों को गहरी ठेस पहुंची है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी गलत टिप्पणी की है, यही वजह है कि मैंने उनके खिलाफ केस किया है। तो वहीं बता दें कि वर्मा की शिकायत पर पटना सिविल कोर्ट में एडवोकेट जयप्रकाश सिंह ने आईपीसी की धारा 500 और 501 के तहत मानहानि का मुकदमा किया है। उनका कहना है कि इस कंप्लेन केस को ट्रायल पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली विधानसभा सत्र में बीजेपी के नेताओं ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का मुद्दा उठाया था, जिस पर सदन में भाषण देते हुए केजरीवाल ने फिल्म के डायरेक्टर और पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि इसे टैक्स फ्री क्यों किया जाए, टैक्स फ्री करने से बेहतर है कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए, फिल्म वहाँ पूरी तरह से फ्री चलेगी और सभी लोग इसे देख भी लेंगे। त्रासदी पर मेकर फिल्म बनाकर 200 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, फिल्म की कमाई का रुपया कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर खर्च किया जाना चाहिए। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। इसी बयान के चलते केजरीवाल पूरी तरह से बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली में जगह जगह बीजेपी नेता उन्हें हिंदू विरोधी बताते हुए पोस्टर लगा रहे हैं। तो वहीं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को यूट्यूब पर डालने वाले बयान को लेकर केजरीवाल को पागल, मूर्ख और बेवकूफ तक कह डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।